तो हेलो, कैसे हो सारे? आप सबका स्वागत है हमारे आज की न्यू वीडियो में। अपनी आज की वीडियो को अपन कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अपन बात करने वाले गॉड लाइक के बारे में। तो आप सबको पता ही होगा कि गॉड लाइक के साथ कल क्या मैटर हुआ है, वही आपको आगे एक्सप्लेन करने वालों की क्या क्या नई चीज़ें हमें उसमें देखने को मिली। तो जैसे कि हमको पता है कि कल जो गॉड लाइक है वो 3 मैन खेली थी, उनके 5 मैन के लाइनअप में से 3 ही बंदे अवेलेबल थे। एंड पंख जो कि परसों भी बीमार चल रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी मैचेस खेले थे परसों के, लेकिन कल उनका फीवर ज़्यादा ही आ चुका था उनको, इसलिए वो कल के मैचेस नहीं खेल पाए। एंड गॉड लाइक ने पहले ही अपने ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट चैनल पर मैसेज डाल के बता दिया था कि जो पंख वो रेस्ट करने वाले आज, क्योंकि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, जीगो उनको रिप्लेस कर रहे हैं। इस मैचेस के अंदर जोनाथन का कोई भी मतलब रिवील नहीं था, मतलब जोनाथन मैचेस खेलने वाले थे लेकिन जोनाथन भी मैचेस नहीं खेल पाए क्योंकि वो ट्रैफिक के अंदर अटक गए। एंड जब जो मैचेस चल रहे थे BGMS के, उसमें लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे गॉडले के साथ, मतलब गॉडले के बहुत सारे फैंस भी गॉडले के मैनेजमेंट से एंड गॉडले के प्लेयर्स से खुश नहीं थे। उनका कहना था कि कुछ भी सीरियसनेस नहीं दिखा रहे गॉडले के प्लेयर्स इस टूर्नामेंट के लिए। एंड एंकी जो कि गॉडले के क्रिएटर भी, जब वो व्लॉग कर रहे थे उन्होंने एक्चुअल रीजन बताया था कि जोनाथन क्यों नहीं खेल पाए इस टूर्नामेंट को, एंड वो ट्रैफिक वाला क्या सीन था। तो उनका पहले जो रिप्लाई था वो आप देख लो। सो गाइस, मैचेस खत्म हो गए सारे और वन ग्रेट बहुत बढ़िया खेले वो लास्ट मैच। अभी मैं फाइनली होटल आया हूँ बिकॉज आई नो प्लेयर्स को थोड़ा मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट तो फॉर श्योर रहने वाली है। वो जो सब लोग पूछ रहे हैं कि जोनाथन क्यों नहीं खेला एंड एवरीथिंग, तो जितना मेरे को पता चला है मैनेजमेंट हर एक तरफ से, वो ये है कि जोनाथन और पंक दोनों की तबीयत खराब थी। एंड देन फिर फाइनली हुआ कि पंक की तबीयत ज़्यादा खराब है, तो जोनाथन वॉज कमिंग बट उसका ये था कि वो रेस्ट करके आ रहा था। And then the traffic was too much and he was not able to reach in time. But again, this is very disappointing. Trust me, I don't know what to say. But again, ab ek match bacha hai, usme bahut sare points chahiye. Let's see kya hone wala hai. But again, I'm really disappointed. I can't say anything right now. Dekhte hain ki kya hota hai. But filhal, abhi ke liye is vlog ko yahi pe samapt karte hain. Trust me, I know bahut log bahut sari cheeze bol rahe hain. But the point is ki abhi filhal players ko thoda motivation for sure chahiye, kyunki वो लोग लेजिट मैंने देखा भाई कि उनका मुंह उतरा हुआ था। एंड दिस इज द रीजन कि मैं व्लॉग बनाया भी नहीं उनके पास जाकर के बाद में, बिकॉज लाइक इवन आई हैव अ हार्ट मैन। एंड अब देखो जो ये पूरा अलाइनमेंट हो रहा है गुड़गांव के साइड में हो रहा है, एंड वहाँ तो मैं रहता नहीं तो मुझे पता नहीं उसका सीन क्या है, लेकिन जो स्पोर्ट्स न्यूज़ भाई उन्होंने एक मैसेज भेज के बताया, तो उन्होंने बताया था ऐसा कि जो होटल प्लेयर्स को अलॉट हुए 4 मिनट दूर, मतलब पैदल 4 मिनट की दूरी पे मेट्रो स्टेशन है, एंड वहाँ से जो मेट्रो है वो ऑलमोस्ट 1 घंटे में आपको अलाइनमेंट वाले लोकेशन पर पहुँचा देती, लेकिन अगर आप बाय रोड जाओगे मतलब ट्रैफिक के होते हुए जाओगे मतलब थ्रू अपनी कार से जाऊंगे तो आपको 3 से 5 घंटे लगते हैं, मतलब इतना डिफरेंस आता है। एंड स्पोर्ट्स न्यूज़ बॉय का आप ऐसा कहना था कि कंप्लीट गॉडलाइक मैनेजमेंट का फेलियर है। एंड सिर्फ स्पोर्ट्स न्यूज़ बॉय का ऐसा कहना नहीं है, बहुत सारे जो गॉडलाइक के फैंस हैं, जो दूसरे जो कम्युनिटी के लोग हैं एंड लोग मतलब कम्युनिटी में जो फैंस है एंड बहुत सारे ट्विटर फैंस, सबका ऐसा कहना आ रहा है कि जो गॉडलाइक के मैनेजमेंट है उनका ये फेलियर है। एंड अगर सच बताऊँ तो BGMI जैसे बड़े लैनिवेंट जो कि TV पर ब्रॉडकास्ट हो रहा है, उसमें अगर आपका प्लेयर लैनिवेंट पर टाइम पर नहीं पहुँच पा रहा है कुछ भी रीज़न उसका, तो वो मैनेजमेंट का फेलियर ही कहलाएगा। एंड गॉडलाइक की 5 मैन लाइन है तो जिसमें से एक बंदा नहीं खेला था, तो ये तो कंफर्म था कि जोनाथन को जाना ही था लाइन पे, लेकिन अब अगर जोनाथन टाइम पे नहीं पहुंच पे तो जोनाथन एंड जो मैनेजमेंट है उनकी एक गलती है। लेकिन जोनाथन का अभी तक कोई इस पर हमें रिप्लाई देखने को नहीं मिला, हो सकता है कुछ अलग रीज़न रहा हो, एक्चुअली शायद वो सही टाइम पर घर से निकले हो लेकिन ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही उनको मिल चुका हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। अब देखते हैं उनकी साइड से हमें क्या रिप्लाई देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं नियो के बारे में, तो नियो ने भी इस चीज़ पर रिएक्ट करते हुए एक मैसेज भेजा था जहाँ पर उन्होंने लिखा था कि मतलब वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है इस चीज़ को देख के, उसके अलावा और क्या ही बोल सकते हैं। एंड मेजी ने एक दो ट्वीट करते जहाँ पर उन्होंने लिखा था क्या ये सच में हुआ है क्या, मतलब प्लेयर ट्रैफिक में अटक गया, कोटा पूर्ति हो रही क्या, ऐसा करके मेजी का हमें एक ट्वीट देखने को मिला था। एंड यही पूरा गॉडलाइक का मैटर था, इस पर आपको क्या कहना है आप कमेंट करके जरूर बताना। एंड अपन बात करते हैं मॉर्टल के बारे में, तो मॉर्टल जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तब उन्होंने बात की थी सेट का जो मैटर चल रहा था उसके बारे में, बहुत लोग मॉर्टल को ये भी बोल रहे थे कि जो सेट है उनको ऐसा लग रहा है कि SATL फैंस उनको पसंद नहीं करते, तो इस चीज़ पर भी मॉर्टल ने रिप्लाई करा था, तो उनका पूरा रिप्लाई आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। Sid was really sad today. He feels SATL fans hate him. Please let him know we love him. Point is ki main batata hu kya scene hai. So it is more like people who agree with Sid bhai ka thought process don't show it anywhere, and people who disagree with Sid bhai's thought process show it everywhere. Fans jo hote hain wo agree bhi karte thought process se aur disagree bhi karte hain. But jo mujhe aisa lagta hai ki maybe aisa ho raha hai ki If there is something which Sid bhai जो चीज़ बोल रहे हैं तो उनके जो फैंस हैं, अगर है फैंस जो हैं फैंस, वो कहीं पे दिखाते नहीं है उस चीज़ को, जताते नहीं है, बट जो डिसअग्री करते हैं वो लोग जताते हैं उस चीज़ को। तो Sid bhai को सिर्फ ये दिखता है कि मेरे एल लग रहे हैं और मेरे को यही लोग हैं बस मेरे लाइफ में जो मेरे को नेगेटिविटी वो हो रही है उनको फील, मे बी ऐसा हो रहा है। मतलब मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं होता तो वो सब चीज़ इग्नोर करके आई वुड हैव मूव्ड ऑन, बट एवरी पर्सन इज डिफरेंट, सो आई कैन नॉट टेक ही Sid bhai शुड चेंज हिज वेज, बट हाँ मतलब ऐसा है एज आई सेड।
अगर है फैंस मुंह से निकल गया वो ऑब्वियसली। एंड हाँ, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट थी कि मैंने खुद का अपना चैनल खोला था अभिवेश नाम से, जिसमें मैं खुद का कंटेंट पोस्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से जाकर एक बार चेकआउट जरूर करना, और हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं रोज लाइव स्ट्रीम भी कर रहा हूँ उधर, तो प्लीज़ एक बार चेकआउट जरूर करना। स्पीरो के ब्लॉग में निंजा बात करते ड्रॉप क्लैशेस के ऊपर, उनका से कहना था कि उनको ड्रॉप क्लैश लेने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, टेक्स ड्रॉप क्लैश लेने जाएगी भी, एंड इस पर जो उनका पूरा रिप्लाई था वो भी आप देख लो। ड्रॉप फाइट हो जाएगा क्यों? अभी लास्ट तक बचेंगे तो भी वही 8-10 पॉइंट की बहुत मुश्किल से चल गया, बट ड्रॉप फाइट हो जाए तो पहले ही 8 पॉइंट मिल जाए, भले ही मरे कुछ भी हो, 3 तो ट्राई करके डाल के जो देना 6 पॉइंट मिल जाएगा। बट डोंट यू थिंक मैचेस बहुत कम है, रिस्क हो गया तो? रिस्क में तो मजा है, रिस्क जो देखो रिस्क में ऐसा होता है या तो पूरा गया, और अगर वो रिस्क काम कर जाए तो पता है क्या होता है, सीधा टॉप। हमें रिस्क लेना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरा मानना है रिस्क। देखो ये जो बंदा है ना पिछली बार भी बोल रहा था कि हमें ड्रॉप क्लैश करना है, सामने कौन सा अच्छा स्कोर चाहिए, आज के टाइम ड्रॉप क्लैश में दो मैचेस में कितने पॉइंट्स पता नहीं, बोलना कुछ टारगेट दे। मैं जब भी टारगेट देता हूँ होता ही नहीं, मत दे फिर मत दे, चल गुड लक, मार के ही हो। स्पीरो के ब्लॉग में ओवेस से भी बात कर रहे थे कि क्या हमें कोई मसाला देखने को मिलेगा क्या आज, मतलब कल के मैचेस पूरे होने से पहले उनसे सवाल पूछा गया था, तो इसका रिप्लाई करते ओवेस ने कहा था कि आज तो कोई मसाला हमें देखने को नहीं मिलेगा, कल शायद हो सकता है, मतलब आज शायद हमें कुछ मसाला देखने को मिल सकता है उनकी साइड से। प्लेयर्स जा रहे हैं मैच खेलने, ओवेस कैसा चल रहा है भाई? बढ़िया, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? या एवरीथिंग गोइंग गुड, एवरीथिंग गोइंग गुड। कोई बताओ यार, कोई ड्रॉप क्लैश वगैरह हो रहा है, कोई मसाला दो यार। आज तो नहीं है कुछ मसाला, कोई ड्रॉप क्लैश नहीं है, कोई मसाला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल। आज माहौल शांत है, हल्का हल्का ठंडा ठंडा, कल होगा कुछ, कल होगा कुछ। कहाँ है? बहुत शर्माता है भाई वो, अबे मैं मेरी तरह। अब यहाँ पर आप सोचो कि वो सीजी के बारे में बात कर रहे थे या टीम फॉरएवर के बारे में बात कर रहे थे, ऑफिशियली तो टीम फॉरएवर के पार्ट है क्योंकि अभी तक उनका सीजी के साइड से हमें कोई अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिला है, लेकिन बहुत सारे ब्लॉग्स जो भी लैन इवेंट पे हो रहे हैं उसमें बार बार जो ओवेस है वो हेक्टर के साथ देखने को मिले, मतलब सीरियस डिस्कशन उनका चल रहा है ऐसे बैकग्राउंड में हमें देखने को मिला है, तो अभी तक तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई नहीं है ओवेस की, क्योंकि वो अभी भी एक टीम का पार्ट है एज अ फिफ्थ प्लेयर वो खेल रहे हैं, एंड इसलिए उनके हमें कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिल रही अभी सीजी की तरफ से। हो सकता है अगर लैन इवेंट सीजी का अच्छा जाए तो हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिले ओवेस की, अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं, देखते हमें आगे क्या न्यूज़ देखने को मिलती है। एंड अब आप गैस करना कि जो ओवेस बता रहे थे कि हमें मसाला देखने को मिलेगा आज, अब वो टीम फॉरएवर की तरफ से देखने को मिलेगा या सीजी की तरफ से देखने को मिलेगा। एंड अपनी वीडियो को अपन आगे बढ़ा लेते हैं, अपन बात करने वाले मावी के बारे में, तो मावी जब लाइव आए थे तो वो बात कर रहे थे अभी जो फैन फेवरेट वाली वोटिंग होने वाली है ना उसके बारे में, मतलब वोटिंग से एक दो टीम्स आगे आने वाली उसके बारे में वो बात कर रहे थे, एंड ग्लोबल स्पोर्ट्स का जो हाल फिलहाल में मॉडरेट सा परफॉर्मेंस आ रहा है इसके बारे में वो बात कर रहे थे, तो उनका रिप्लाई भी आप देख लो। पहली बात तो मैं तुम्हें बता दूं, इट्स जस्ट अ स्टार्ट ऑफ टूर्नामेंट, जो वो राउंड की महत्ता थी उस राउंड की महत्ता को आई थिंक हमारी टीम ने क्रॉस कर लिया है, उसको उस पड़ाव को पार कर लिया है, तो तुम लोग कभी भी ऐसा गलत मत लिखा करो, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे बाकी प्लेयर डिमोटिवेट हो जाएंगे, समझ रहे हो, जबकि तुम्हें ये लिखना चाहिए कि वी डिड वेल, पहले तुम्हें लिखना चाहिए वी डिड वेल, उन्होंने अच्छा ही किया, राउंड में ऊपर वालों को क्वालिफाई होना है और उन्होंने क्वालिफाई हो गए, और नीचे वाले जिनको वोटिंग में जाना है उनको वोटिंग में जाने दो, वोटिंग वर्ड जब भी आता ना मुझे हंसी आ जाती है, मैंने क्यों ऐसा नहीं करना है, क्वालिफाइंग राउंड है, चलने दो जो चल रहा है सीखेंगे, जो मेन मुद्दा है वो है वोटिंग, हमें बात करनी है वोटिंग पे। वोटिंग वाला जो मैटर है, क्या तुम्हें कुछ ये किसी चीज से रिलेटेबल नहीं लग रहा, बताओ ये कैसा कवर है मोबाइल का, ये इस कवर में भी मोबाइल फूट गया है, बता इसमें भी टूट गया, कि एक बच्चा है, मतलब चाहे तुम तो किसी गेम में बोल लो चाहे तुम तो किसी मार्क्स में बोल लो, वो बच्चा है वो एडमिशन लेने जा रहा है और वो उसके मतलब अपने मेरिट से एडमिशन लेने जा रहा है, उसके मेरिट से वो एडमिशन लेने का एलिजिबल नहीं है, और फिर उसके पापा पैसा फेंकते हैं, सिफारिश लगाते हैं और उसकी एडमिशन हो जाती है, क्या तुम्हें तो ऐसा नहीं लगा? आज ना मैं जो लेटा हुआ था तब मेरे ना हल्का हल्का दिमाग में ऐसा ऐसा आ रहा था, है ना, मतलब इट्स जस्ट अ फन थिंग, हम लोग एक फन में बात कर रहे हैं। एंड फिक्सेस एंड स्पीरो जब कल के मैचेस के पहले लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो वो बात करते गॉडलाइक के बारे में, एंड टेक से वो कंपैरिजन कर रहे थे, तो उनका रिप्लाई भी आप देख लो। सो राइट नाउ यू कैन सी
अगर आप थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स भी देखो, बीजेएमएस भी देखो, दे लुक डिस्ट्रॉट, मतलब टूटे हुए से लग रहे हैं। ये सेम हाल अगर आप ग्राइंड पे भी देखते, टीम एक्सपार्क की भी थी, मैसिव चेंजेस, कोचेस में बदलाव, नए प्लेयर्स का इंट्रोडक्शन, बहुत कम टाइम। एक्सपार्क के पास एक फेस था ग्राइंड, राउंड वन, इन गेम क्वालिफायर्स, अपने आप को उन्होंने तराशा है। सो आइदर गॉडलाइक कैन गो टू दैट लेवल कि हाँ, क्योंकि प्लेयर्स उनके पास बढ़िया हैं। आई डोंट थिंक और कंप्लेन कोई कर भी सकता है कि ये प्लेयर खराब है, वो प्लेयर खराब है। सबने परफॉर्म किया है, सबने प्रूव किया है। इट्स ऑल कमिंग डाउन टू कि यहाँ से और अपने आप को कहाँ तक लेके जाते हैं। दैट्स द ओनली थिंग आई कैन से। दे आर गोइंग थ्रू मैसिव चेंजेस। यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट बिकॉज आई थिंक लीग स्टेजेस तो खेलेंगे। आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट दे आर नॉट प्लेइंग। सो बेसिकली कल उनके जो कोच साहब है नए वाले, उन्होंने भी यही कहा है कि हमें 15 दिन लगेंगे, 15 दिन के बाद तुम्हें ऐसा गेम प्ले देखने को मिलेगा कि कोई अपोनेंट टिक नहीं पाएगा, ऐसा बोला है उन्होंने। इन कंपैरिजन मतलब ऐसा 1v1 वाला कंपैरिजन नहीं, मतलब क्या चीज़ें टीएक्स में पहले रही थी ना, अभी गॉडलाइक में क्या चल रही है, इस टाइप का कंपैरिजन था। तो प्लीज़ इसको अदरवाइज मत लेना एंड अपनी वीडियो को अपन आगे बढ़ा लेते हैं। जैसे कि हमको पता है कि पिछले कुछ टाइम में हमें एक लीक देखने को मिला था, मतलब एक न्यूज़ चल रही थी कम्युनिटी के अंदर, वो ये थी कि बाहर की टीम्स इंडिया के अंदर आके खेल सकती है। जैसा कि इंडिया कोरिया वाला इवेंट हुआ था, वैसे सिमिलर टाइप का एक इवेंट एक और बार हो सकता है इंडिया के अंदर। तो इसी बारे में सिर्फ बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि उनको क्या इन्फॉर्मेशन मिली अभी तक इस टूर्नामेंट के ऊपर। तो उनका भी पूरा रिप्लाई आप अपनी स्क्रीन पर देख लो। Will be Mongolian team. I have heard it will be South Asia, like Nepal वगैरह आएंगे, ये सुना है मैंने. I'm not sure. Now you're watching international games, hoping to see international gameplay from your sides as well. So India में देखा है तुमने 4x vector? Internationally है वो. Upcoming international match. एंड बस अपने आज की वीडियो कर लेते हैं पर खत्म। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।